गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। तो कल रात को यार, मतलब कल रात को हमारा सही में बहुत बड़ा डिजास्टर था। कल हम आए थे यहाँ पे तुसो मोरोरी, एंड हम लोग ना काफ़ी आगे चले गए थे, मतलब 1.5 घंटे हम लोग और आगे चले गए थे तुसो मोरोरी से। मतलब तो हमें पता नहीं था वहाँ पे कि कैंप साइट उधर नहीं है, कैंप सारे इधर ही हैं। तो रात को हम लोग 8:30-9 बजे आए होंगे। करजॉफ विलेज है, एक बहुत छोटा सा विलेज है। यहाँ पे रात को 11 बजे लाइट गई थी, एंड सुबह 7 बजे तक भी लाइट नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, मतलब जो टेम्परेचर तो माइनस में है पूरा। रात को कल नींद नहीं आई बिकॉज सबके सर दर्द होते। कल बहुत ज़्यादा मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ हम लोगों को, एंड पूरी रात नींद नहीं आई हम लोगों को। सुबह 4 बजे हम लोग उठे हुए हैं, अभी भी टेम्परेचर माइनस में यहाँ पे, एंड सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को भी। तो यहाँ छोटा सा, मतलब छोटा सा विलेज है, बहुत छोटा विलेज है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, जनरेटर में हर काम चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों की होम स्टे मिला था, एंड होम स्टे ना मतलब बहुत बेसिक है, मतलब कुछ नहीं है यार। मतलब एक बेड, ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, देखो आप पीछे, ठीक है, बेसिक सा है यार। मतलब तो ठंडा बहुत था, मतलब पानी नहीं है यहाँ पे, पानी बिल्कुल नहीं है रात को होटल में। तो जैसे जैसे हम लोग फ्रेश हुए, बाहर से पानी लेके आए, फ्रेश हुए, एंड पूरे हाथ में जम रखे यार, मतलब ये पूरे मतलब कुछ हाथ वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं, बट ये चीज़ है कि बहुत सुंदर विलेज है। आपको दिखाता हूँ मैं कितना सुंदर है, देखो भाई। बस ये देखो, ये नज़ारे हैं भाई, ये विलेज है, ये यहाँ की मोनेस्ट्री है। बहुत छोटा सा विलेज, बहुत छोटा विलेज है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, घर वगैरह कुछ नहीं है। एंड बहुत अच्छी लेक है बगल में, तुसो मोरोरी लेक है। बेस्ट मतलब बेस्ट व्यू मतलब मैंने आज तक जो देखा होगा, आई डोंट नो, मतलब मैंने ऐसा सुंदर कुछ देखा है कि नहीं देखा। मतलब एंड पता है यहाँ पे ना टूरिस्ट नहीं है, इसलिए इतना सुंदर है। बच गया हम लोगों से, बच गया बताइए चीज़ें। तो बहुत ही प्यारा है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। देखो यार, रूम रूम ना मतलब ऐसा था, ये हमारा बेड है, ठीक है, एंड बहुत बेसिक वॉशरूम है। तो यार मतलब, बट रात को तो ये था कि हमने 3-4 जगह पता करा, तो सबने बोला कि सर फुल है अभी, तो ये मिल गया हमें कि काफ़ी कमाल लिया। एंड यहाँ से ना लेक दिखता है, देखो दिस इज तुसो मोरोरी लेक। बहुत बड़ी लेक है यार, बहुत मतलब ह्यूज, मतलब भाई ये लेक है। तो अभी जाएंगे लेक साइड में हम लोग। भाई हाथ जाम है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे, देखो पूरे वाइट हो रखे हैं हाथ, एंड स्वेलिंग आ गई हाथों में, बॉडी में पूरी स्वेलिंग है। बट ना एक चीज़ देखो, ये जो नज़ारा है भाई, देखो यार अमेजिंग मेसमराइजिंग व्यू है, जस्ट वाओ यार। आपको पता चला हवा कितनी तेज है, देखो बहुत सुंदर यार, ब्यूटीफुल। तो जब आएंगे ना यहाँ पे, तो तुसो मोरोरी आइएगा ज़रूर, मतलब बहुत अच्छी जगह है, तो तुसो मोरोरी आइएगा। बट ना आप लेह से, अगर आप लेह से आते हैं तो आइएगा मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आइएगा, मतलब है ना अर्ली मॉर्निंग आइएगा, तो तुसो मोरोरी लेक को एंजॉय करिएगा, एंड सेम डे रिटर्न, बिकॉज रुकने के यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, कैंप्स है। बट यार मतलब जो कंडीशन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एल्टीट्यूड सिकनेस है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आते हैं तो आप मतलब लेह से आइएगा, एंड सेम डे वापस हो जाइए। एंड अगर रुकने का प्लान होगा आपका, तो आपने तुसो मोरोरी नहीं जाना है, आपने जाना है करजॉक विलेज, बिकॉज करजॉक विलेज लास्ट विलेज है, यहाँ पे ही सब कुछ है रहने के, मतलब जो भी है। एंड जब कल हम आए ना,
तो अभी जितने भी हम होम स्टेज थे, कैंप्स थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे पैक थे। तो ये एक रेस्टोरेंट है, लाशा रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ का जो होस्ट है स्टेंजिन, हमने कल इनके रात को डिनर करा था तो खाना बहुत अच्छा था। अभी मिलाता हूँ आपको इससे भाई से। तो भाई लोग यहाँ चाय का मज़े ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग, एंड ये है भाई अपना स्टेंजिन, ये यहाँ का होस्ट है, काफ़ी अच्छा भाई, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का भाई। गर्मा गर्म चाय पिला दो प्लीज़ भाई, बहुत अच्छा। मतलब विलेज तो काफ़ी अच्छा है, मतलब वैसे ना थोड़ी हमारी हालत नहीं है, बट अगर वैसे घूमने के लिए है तो मतलब सुंदर तो है। मतलब मोनेस्ट्री वगैरह है यहाँ पे, गुम्पा है, तो ऊपर जाने की हिम्मत है नहीं यार हम लोगों की अभी। चलो चला जाए। चलो स्टेंजिन मिलते हैं यार। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू, थैंक्स लॉट राजी। निकल गए हैं, जय माता दी। तो भाई आजाद कैसा था स्टे? बहुत ही अल्टीमेट लग्जरी होम स्टे भाई, बेस्ट कुछ नहीं है जी भाई। थैंक यू सो मच आप लोगों, मतलब पानी तक नहीं था, वॉशरूम जाने के लिए पानी भी नहीं था, तो भाई लोगों ने सुबह उठ के पानी, खैर मैं तो सुबह उठ पा नहीं हूँ, तो भाई लोग उसमें पानी पुनी भरा है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा चरस कर रखी उन्होंने जी मेरे जीवन में 3 दिन से। सुबह उठ उठा के ना उन्होंने, यार किशमिश खाना था यार वो। किशमिश? किशमिश दे देंगे आपको, किशमिश ये अभी तो सब कुछ। ये देखो यार भाई, जहाँ तक नजर दौड़ेगी ना भाई, लेक सच में इतनी बड़ी है ना, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं करजॉक से लेक के लिए, एंड देखते रास्ते में कितना जाम मिलता है हम लोगों को आज। तो अभी बज रहे हैं 8, एज यूजुअल हम रोज 8 बजे ही निकल रहे हैं, ठीक है। आज जाके सिर्फ रेस्ट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, रेस्ट एंड एक्लेमेटाइज। तो लोग लेह में रुकते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं, फिर ऊपर आते हैं पहाड़ों में, मतलब हाई एल्टीट्यूड में। भाइयों के अंदर अलग ही वो है जुनून, हम लोग सीधा हाई एल्टीट्यूड में आते हैं और फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बट ठीक था यार, बट रात को यार थोड़ा लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो गई थी, जो मतलब सबके सर अभी भी दर्द हो रहा है सर। तो भाई रात को तो हमें दिखाई नहीं भाई, ये लेक साइड में लेक के बगल से निकल गए हम लोग। भाई जस्ट हम लोग अभी लेक के बगल में है, तो सो मुरली लेक, एंड ये देखो भाई अभी ना धूप, इसके ऊपर भी मतलब बादल है ऊपर ना, तो जब इसके ऊपर धूप आएगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड मतलब कुछ भी मतलब थोड़ा सा पार्ट आ रहा है इसका, लेक का, लेक ना सच में बहुत बढ़िया भाई। मतलब इसे अगर देखा जाए ना, क्योंकि कल हम ना मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से हम पूरा गए पीछे से पूरा का पूरा जो रोड चल रहा है, पूरा का पूरा ये यहाँ पे गेस्ट वो है चेक पोस्ट थी आर्मी की, वहाँ तक पीछे तक पूरा घूम के आए थे हम लोग। ये तो सो मुरली से पहले वाली जो लेक थी वहाँ जा रहे हैं हम, तो सो कारा वहाँ जा रहे हैं।
तो भाई देखो कितना सुंदर है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, सुंदर है, शांत है। बस यहाँ से करते हैं ब्रेकफास्ट, करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। पानी हो गया बॉइल, इसमें डालेंगे हम लोग अपना वर्मसली, खाते हैं फिर निकलते हैं आगे लेह के लिए। तो भाई ये रेडी हो रही है, तो भाई कैसी हो रही? बहुत बढ़िया मैगी बनाई है, थैंक यू मैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, बहुत ही यम्मी है, मज़ा आ गया भाई। 1000 रुपये लेंगा? 2000 लेंगा। देखो यार कैसे गाँव है यहाँ पे, इतना सही सही गाँव है ना, अल्टीमेट, बट लाइफ बहुत हार्ड है यार भाई यहाँ पे ना। एक तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एंड वेजिटेशन के लिए भी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है यार, तो इनकी लाइफ बहुत टफ है यार, एंड फिर भी इतने हम्बल लोग हैं, मतलब ये तो अलग है भाई। यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे आप जाएंगे टूवर्ड्स पांग, एंड हम जा रहे हैं राइट टूवर्ड्स लेह, तो ये ले जाने का रास्ता है। अगर आप 200 मोरवी से आ रहे हैं तो आपको ये पहला राइट टर्न पड़ेगा, आपको यहीं से जाना है, ठीक है, लेफ्ट नहीं जाना है आपको, राइट जाना है। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, जो हमने सुना है, बाकी पता नहीं अभी तक, देखते हैं बाकी आगे चल के कैसी रोड से क्या है, पर ठीक है यार, रोड वगैरह जैसी भी हो एक मेमोरी है हमारे लिए यार, ये मतलब एक चैप्टर है, मतलब जो हम लोगों ने कवर कराया अपनी लाइफ में यार, मतलब भाइयों के साथ ट्रिप, वो भी भाइयों के साथ, वो इम्पोर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती भाई, कंपनी इंपॉर्टेंट होती है ना भाई।
तो जब आप तोसो मोरोरी से लेह की तरफ जाते हैं तो एक विलेज पड़ता है बीच में, चुंगतांग विलेज। ये फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग के लिए। यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है मतलब, तो अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं नहाने का हो कुछ होगा तो नहा लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही देख के आ जाएंगे। तो भाई ये देखो धुआं क्या निकल रहा है यहाँ से, अब पता नहीं नहाने लायक है कि नहीं है, क्योंकि और जगह जो हम गए हुए हॉट स्प्रिंग में, जैसे यमुनोत्री हो गया, गंगनानी हो गया, वहाँ पे इतना तेज हम लोगों ने दिखाया है मतलब वेपर ना, बट यहाँ पे तो बहुत ही जारी है। वाह तो भाई तो देख रहे हो, यहाँ पे ना ये, अरे यहाँ भी एक और जगह है, ये पॉन्ड टाइप का बना हुआ। तो नरेश अब यहाँ नहाने जाएगा। यस नरेश, चलो इन, चलो 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 कम ऑन। कैसा है? बहुत गर्म है। कूद के देख एक बार, कूद के देख। पता है कौन सा स्प्रिंग वाला, जो मुगैम्बो वाली मूवी थी ना मिस्टर इंडिया? यस मुगैम्बो, वो वाला। खुश दोस्तों, ये आ गया है क्यारी, क्यारी विलेज। तो प्यारा लग रहा है। मैं कितना दूर रह गया फिर अभी? भाई अभी यहाँ से दिखा रहा है 90 किलोमीटर दूर है, करीबन करीबन पौने दो घंटे लगेंगे। बट रोड अमेजिंग है भाई, मतलब जो दो दिन से हम लोग रगड़ा खा रहे थे ना, आज पैसा वसूल हो गया, टायरों को शांति मिल गई भाई। टायर रो रहे थे मेरे इतने दिन से, बट गड्ढा नहीं गई रोड में, मतलब पूरी रोड अच्छी थी। एवन
भाई अभी हम पहुँचे उपसी एंड यह शौर्य चक्र RCC। तो यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो हानले वगैरह है सपना, एंड यहाँ से राइट जाके मनाली, चंडीगढ़, सरचू एंड तांगनाला। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे इस साइड में, ये जा रहा है रोड लेह के लिए, ले जाएगा एंड अपना पेंगोंग जाएगा। अभी यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो रुके थे खाना खाने के लिए, इसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे। अपना करगिल यहाँ से है 273 किलोमीटर्स, लेह 49, टिक्सी 31 एंड कारू इज़ 14, लोमा 153 राइट साइड में जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, हानले 201 किलोमीटर्स। भाई फाइनली इंडियन खाना खाने को मिला, मतलब इंडियन खाना तो नहीं, कल भी दाल अच्छी थी यार, कल जो खाना को खाना है वो भी अच्छा था। एंड अभी मैं खा रहा हूँ राजमा चावल एंड भाई लोग खा रहे थाली। गाइस अब लंच करके हम लोग निकल चुके हैं लेह के लिए, लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र और बचा है, आसमान में बादल घिराए हैं, होप सो बारिश से पहले पहले हम लेह पहुँच जाएँ, हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम और सुहाना हो जाएगा। बारिश है जो जिसका अभी तक हमारा इस ट्रिप में सामना नहीं हुआ, जिसका एंजॉय हम नहीं तक नहीं कर पाए, बाकी धूप छाँव सब चल रहा है। मैंग कैसा रहा लंच? लंच भाई अमेजिंग भाई, बहुत सिंपल, दाल चावल राजमा चावल अल्टीमेट भाई, सिंपल खाना था, अमेजिंग, मतलब कोई हैवी नहीं था, मतलब रेस्टोरेंट वाला खाना, घर जैसा खाना। आज़ाद बस अब डेस्टिनेशन हमारी आने वाली है, नेक्स्ट हेडिंग टुवर्ड्स ले, 40 मिनट लेफ्ट, अब देखो नेक्स्ट वहाँ का एंजॉयमेंट करते हैं। अभी तक जो हमारा ट्रिप रहा बहुत ही ऑसम रहा, होपफुली कल हमारे दो बॉयज गैंग में और ज्वाइन करेंगे, देन विल बी 5, उसके बाद जो मस्ती होगी वो अलग बैंग ऑन होगी। तो कीप वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून, बाय। बहुत बढ़िया, आज़ाद ने बताया दो फ्रेंड्स और ज्वाइन करेंगे, हमारे खास दोस्त कल फ्लाइट से आ रहे हैं ले, ज्वाइन करेंगे और आते ही हमारे ट्रिप में, फास्ट ट्रिप में शामिल हो जाएंगे। भाई ले यहाँ से है 3 किलोमीटर दूर, तो ले आने की खुशी काफ़ी ज़्यादा है भाई, 3 दिन बाद ले पहुँच रहे हम लोग। तो भाई फाइनली ये आ गया भाई, देखो जिसका हमें 3 दिन से इंतज़ार था। वेलकम टू ले यू टू लद्दाख।